एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो काफी दिन हो गए हैं आपसे बात करे, लेकिन आज हम आए हैं आपको कुछ स्पेशल बताने। सो हम लोगों को बहुत टाइम हो गया है। लास्ट हम लोग कहीं घूमने गए थे, लास्ट हमारी यूरोप ट्रिप था लास्ट ईयर अगस्त में। उसके बाद से हम कहीं नहीं जा पाए। दो हम इंटरनेशनली कहीं नहीं गए। दो हम प्लान कर रहे थे इस साल कि कहीं जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बट कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से नहीं हो पा रहा था वो। बट अभी हमने सोचा था बाली जाने का, बट यार बाली इतने लोग चले गए ना इस साल, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इंस्टाग्राम पर ही बाली देख लिया, तो वो हमने ड्रॉप कर दिया। फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो कोइंसिडेंटली हमको मौका मिला कि हम दुबई जा पाए। तो अब हम जा रहे हैं दुबई और हमारी हो चुकी है पैकिंग पूरी डन, और पैकिंग भी हमारी हुई है एकदम लास्ट मिनट। मैं रीजन बताता हूँ आप लोगों को कि क्योंकि चल रहे हैं नवरात्रे और सैभी को शौक है गरबा करने का, मतलब एक भी दिन का मिस नहीं कर सकती। ये टाइम होते ही नीचे पहुंच जाती थी गरबा करने, जिसकी वजह से हमारी पैकिंग नहीं हुई थी। और लास्ट टाइम मतलब रात में हमने बैठ के पैकिंग की है, तो फाइनली बट हो गई है पैकिंग और हमारी है रात की फ्लाइट। तो फ्लाइट भी हमारी एक्चुअल में डिले हो गई है। बैड न्यूज़ फॉर अस, इट्स नॉट अ बैड न्यूज़, इट्स गुड न्यूज़। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये गरबे में मैं इतनी बिजी थी, सुबह दिन भर पूरा ऑफिस चलता था, फिर शाम में गरबा के लिए रेडी होना, गरबे के लिए जाना, आके तो यार कुछ हालत ही नहीं बचती थी। तो बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह इस बार कुछ नहीं हो पाया। यश का मैंने बहुत खर्चा बचाया इस बार, तो कोई नहीं दुबई में वसूल कर लेगी गाइस। तो हाँ मतलब ऑलमोस्ट पैकिंग तो हमने आज ही करी है फाइनल पूरी। यार ये सैभी देख रही है, मैं इसको कब से उठाने का ट्राई। सैभी उठ जाओ यार, फ्लाइट में सो जाएगी, क्या कर रही हो? सैभी उठो ना यार, अरे पागल हो गया, अपनी फ्लाइट छूट जाएगी यार। अरे नहीं, अभी 10 मिनट नहीं, एक भी नहीं। सैभी नहीं, उठ जाओ यार प्लीज। सैभी नहीं उठ जाओ, जल्दी से जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी आ जाओ जल्दी। हाँ गुड। देखो गाइस, मैं तो हो गई हूँ रेडी एयरपोर्ट के लिए, लेकिन मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि मैं लेट करूंगी। ये बैठ के देख रहा अभी केबीसी और मुझे बोल रहा था कि मैं लेट कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे उठा दिया, मुझे रेडी भी करवा दिया, और खुद बैठा हुआ है और बैठ के केबीसी देख रहा है यहाँ पे टाइम पास कर। कुछ भी, मुझे कितनी देर लगी है ये किसी को नहीं दिखता है। तो हम हो गए हैं रेडी, फाइनली यश रेडी हो गया आप, और यस बस कैब का वेट करें, जैसे कैब आती है हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। काफी गर्मी है यार पुणे में, तो लेट्स सी दुबई का वेदर कैसा रहता है। वहाँ पे वैसे तो गर्मी होने वाली है, बट देखते हैं, होपफुली थोड़ा ठंडा होता है। सो हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट एंड बस वेट कर रहे हैं हम लोग। कुछ काफी जल्दी आ गए पुणे का, मतलब जल्दी नहीं आए थे, आए टाइम पे थे, लेकिन पुणे का एयरपोर्ट इतना छोटा है कि हमें टाइम नहीं लगा इमिग्रेशन चेक इन सिक्योरिटी किसी में भी। मतलब विद इन 15 मिनट्स हम लोग चेक इन सिक्योरिटी करवा के चेक करवा के बैठ चुके हैं अभी, और हमारी फ्लाइट भी 1 आवर डिले है। सो गाइस हम दोनों जा रहे हैं दुबई बिना वीजा के। कैन यू बिलीव इट, बिना वीजा के दुबई कैसे जा सकते हैं, वो भी इंडिया से। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग, हमारे पास कोई वीज़ा नहीं था दुबई के लिए, दुबई का हमने कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, लेकिन स्टिल हम लोग दुबई जा रहे हैं, हमारा इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर हो गया है। तो उसका प्रोसेस इट्स वेरी सिंपल। मेरा और यश का US का वीज़ा है, B1 B2 वीज़ा, जो कि टूरिज़म एंड बिजनेस के लिए रहता है। और भी अगर आपके पास US का कोई और कैटेगरी का वीज़ा है, तो आप लोग दुबई विदाउट ई वीज़ा के जा सकते हो। इन दैट केस आपको दुबई जाके वीज़ा ऑन अराइवल लेना रहता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। उसमें जो आपकी कॉस्ट है वीज़ा की, वो भी हाफ हो जाती है। अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उसकी कॉस्ट इज़ 8,000 इन INR, एंड वीज़ा ऑन अराइवल के लिए इट्स ओनली 4,000। तो ऐसे हम लोग जा रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक के हमारे पास बिल्कुल ही वीज़ा नहीं है। सो वीज़ा जो है वो ई वीज़ा नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल हम वहाँ पर जाके लेने वाले हैं। तो हम आ गए हैं दुबई एयरपोर्ट पे एंड जस्ट बैगेज कलेक्ट कर रहे हैं, और हम लोगों का इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर हो गया है। वीज़ा ऑन अराइवल इट्स जस्ट एक 2 मिनट्स, इतना ईजी प्रोसेस था। सो यहाँ पर एक स्पेसिफिकली काउंटर है कॉल्ड मरहबा, जहाँ पर अगर आपका ये जो कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो, इफ़ यू हैव US वीज़ा, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक काउंटर है जहाँ से आप जाके डायरेक्टली एक फ़ी पे करते हैं, विच इज़ 141 dirhams पर पर्सन, जो कि हमने पे किया।
एंड वी गॉट द वीज़ा ऑन अराइवल. उसके बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ और जस्ट बस अब हम लोग कैब बुक कर रहे हैं और होटल के लिए जाने वाले हैं. एंड आई डोंट नो लाइक इज़ इट अ प्रमोशनल ऑफर और व्हाट. सो हम लोग को ये इमिग्रेशन से कुछ सिम कार्ड्स मिले हैं पर पर्सन. सो यार दैट्स अ गुड थिंग लाइक ये ज़रूरी भी होता है. तो अभी हम लोग आ चुके हैं दुबई के एयरपोर्ट पे लैंड करके बाहर एंड अभी हम लगे हैं टैक्सी की क्यू में. मैं आपको दिखाती हूँ क्यू कितनी. और ये क्यू लंबी होने का रीज़न ये है गवर्नमेंट टैक्सी जो चलती है दुबई में उसकी क्यू. क्योंकि आप अगर प्राइवेट टैक्सी लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली, मतलब आप डबल रेट देंगे उसका. तो इसके लिए आप देख सकते हैं इधर बहुत ही क्राउड है. तो हम भी वेट ही कर रहे हैं, देखते हैं हमारा नंबर कब आता है. सो फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारे होटल आइबिस में. काफ़ी लंबा हो गया यार, मतलब अगर टाइमिंग डिफरेंस रहता है जो कि इंडिया से दुबई में है 1.5 आवर्स का. तो हम लोग घर से निकले थे अराउंड 6 PM और अभी इंडिया टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है कुछ 2:30. तो काफ़ी थक गए यार, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सोना है क्योंकि कल भी जल्दी उठना है, न्यू डेस्टिनेशन पर जाना है. तो यार स्टे ट्यून. और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस आने वाले हैं, व्लॉग्स आने वाले हैं. तो या मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ दुबई. तो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं कल. बाय.